और बड़ी खबर, दिल्ली बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं अरविंदर लवली, बीजेपी में शामिल होंगे अरविंदर लवली। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, ये बड़ी जानकारी। आप देखिए, तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं और अरविंदर लवली अब बीजेपी में शामिल होंगे, पहुंच चुके हैं बीजेपी दफ्तर। क्या कहेंगे आपको सुनाएंगे, लेकिन तस्वीर आप देख लीजिए। इस वक्त थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा। हमारे सहयोगी विकास चंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, ये तस्वीर जो हम देख रहे हैं, ये वही तस्वीर है जिसको लेकर विपक्ष निशाना साध रहा है कि बीजेपी तो डेंट लगा रही है दूसरी पार्टियों में। जी, लगातार विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं कि बीजेपी जो है वो भरपूर कर रही है, दूसरी दलों को तोड़ रही है, चुनाव में कमजोर कर रही है। लगातार प्रयास आरोप जो विपक्षी दलों की ओर से लगाए जा रहे थे। और जहां तक रहा सवाल अमरिंदर सिंह लवली का, तो देखिए, एक बार वो कांग्रेस को छोड़कर के बीजेपी में आए थे, फिर बीजेपी छोड़कर वो कांग्रेस में वापिस गए। फिर जब वहां उनकी बात नहीं बनी तो कुछ दिन पहले ही उन्होंने कांग्रेस को त्याग पत्र दिया था। हालांकि तब जब त्याग पत्र उन्होंने दिया तो दिल्ली के कई कांग्रेस के नेता उनके पक्ष में थे, लेकिन अब फिर से एक बार वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। तो जो विपक्ष का आरोप है वो तो सामने दिखाई दे रहा है कि विपक्ष को शायद कांग्रेस को पहले से ही जानकारी थी कि शायद अरविंदर बीजेपी में जा सकते हैं, इसलिए पहले से ही हमलावर हो गई थी। ठीक, विकास मैं आ रही हूँ। अनिल बनूली क्या कह रहे हैं इस दौरान, जरा वो सुनवा देते हैं, वो कुछ बोल रहे हैं। चार बार के MLA हैं, दिल्ली में 10 साल तक कैबिनेट मंत्री रहे हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। 13 साल था, सॉरी। नसीब सिंह जी हैं जो कि 3 बार के विधायक हैं और AICC के पूर्व सचिव हैं, वह भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं। आप सब लोग जानते हैं नीरज बसोया जी, जो कि पूर्व विधायक हैं, काउंसलर भी रहे हैं, NSUI के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। आप भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमित मल्लिक जी, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रहे हैं और NSUI के अध्यक्ष भी रहे हैं, दिल्ली यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, AICC के नॉर्थ ईस्ट के जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनके आप प्रभारी भी, ऑब्जर्वर भी रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस अवसर पर हम लोगों के बीच हमारे, तो आप देख रहे हैं पार्टी में उनको एक बार फिर से ज्वाइन कराने से पहले उनका परिचय दिया जा रहा है। खैर, ये औपचारिकता है, आगे जब अरविंदर लवली जो कहेंगे वो सुनाएंगे। लेकिन मेरे सहयोगी विकास चंद्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, ये कितना फायदेमंद होगा साबित, क्योंकि लोगों के मन में भी ये है कि वो लगातार पाला बदलते ही रहते हैं, लवली को सब जानते हैं। जी देखिए, लवली लगातार इधर कुछ ही दिनों में बीजेपी कांग्रेस कर लिया उन्होंने, तो निश्चित तौर पर लोग इसको जरूर सोचेंगे कि भाई ये लगातार पाला बदल रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस की पहचान दिल्ली में अगर 2-3 नेता थे तो उसमें से लवली भी थे, और लवली का चुनाव के एंड मौके पर कांग्रेस को फिर से छोड़ देना और बीजेपी में आ जाना, निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए एक बड़े नुकसान की बात है और कांग्रेस के लिए एक धक्के वाली बात है। तो वहीं बीजेपी ने शामिल करा करके निश्चित तौर पर ये कोशिश किया होगा कि जो सिख वोट है उसको बीजेपी लामबंद करने की कोशिश करेगी लवली के जरिए, और लवली के आने से ऐसा नहीं होगा कि बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा, निश्चित तौर पर इसका फायदा होगा। क्योंकि जो लवली के प्रति जो लोग सिंपैथी रखते हैं कि भाई कांग्रेस में उनके साथ धोखा हुआ, उनकी बात नहीं मानी गई, तो उसका फायदा बीजेपी को होगा। और यही सब फायदों को लेने के लिए बीजेपी लगातार दूसरे दल के नेताओं को ज्वाइन करवा रही है।